नमस्कार भाई। नमस्कार, क्या हाल है भाई? बढ़िया सर, बढ़िया। आपका प्रॉपर एड्रेस क्या है जी? सर, साहिब डेयरी फार्म मंडी डबवाली सर। आपका फार्म का जो नाम चेंज क्यों कर दिया आपने? वो सर रीजन है, मैंने सर बताया कि पहले भी भांजा हुआ है सर मेरे, तो सर उनके नाम पे सर डेयरी की है सर। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि सर वो 3 साल बाद उनका जन्म हुआ, इसलिए बोल। बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, हाँ जी, उनके नाम पे सर सारा कुछ बनाया डेयरी फार्म। और आपका मोबाइल नंबर क्या है? 9518055688। आज कितनी गाय मंडी पर लेकर? सर 13 गाय। कितनी सेल होगी? 5 होगी, 8 बाकी। इनका एवरेज रेट क्या रहेगा? एवरेज रेट सर 65-50-55 सर ऐसे है। और आगे आप किसान भाइयों को क्या कहना चाहेंगे? बस सर यही कहना चाहूंगा क्योंकि सर इस बार मंडी खुल चुकी है, क्योंकि जो परमिशन थी मंडी की, क्योंकि सर कोरोना टाइम चल रहा था, महामारी चल रही थी, अभी थोड़ा वो सर सिचुएशन सेट हुई है और सर मंडियां भी चलने लगी है सर अभी, क्योंकि सभी जो गवर्नमेंट ने भी परमिशन दे दी है मंडी चलने की, और सर आज मंडी लगी है, मंडी में गाय लेके आएंगे। और कोई भी जो बाहर का कस्टमर आना चाहता है वो मंडी पर आ सकता है? आ सकता है सर। और सर एक बात और है सर, भी ऑनलाइन ऑफलाइन सर दोनों की सुविधा अवेलेबल है सर, क्योंकि सर हमारा पहले ब्रदर डेयरी फार्म था सर, पहले गाय जा रही थी सर, बढ़िया रेगुलर जा रही थी, ये नाम चेंज हो गया सर, इसका रीजन है मैं बता चुका हूँ आपको। सही बात है? सही बात है। और आगे और किसान भाइयों को क्या कहना चाहेंगे आप? बस सर मैं यही कहना चाहूँगा क्योंकि गर्मी का सीजन है, कभी कभार नया किसान भाई आता है डेयरी फार्म स्टार्ट करना चाहता है सर, झिझकता है गर्मियों में, अभी तो गर्मी चली गई है, ठीक है ना जी, तो एक महीना रहेगा, डेढ़ मंथ रहेगा, तो अभी शुरुआत करने का सबसे बेस्ट मान के लो टाइम है डेयरी फार्म। और जो भी भाई जो आपके फार्म पर आना चाहते हैं, कितनी गाय सेल के लिए अवेलेबल होती सर? रेगुलर एनी टाइम रहती है सर, क्योंकि 10 आती है 10 जाती है सर, कभी भी कस्टमर आ सकता है सर, गाय मिलेंगी। ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं? ऑनलाइन भी। अब इन गाय की डिटेल बताने हैं? हाँ सर, हमारे पास सर अभी ये 5 गाय इधर है, बाकी उधर खड़ी है गाय सर, ये एच एफ है सर, दो जर्सी है पंजाब वाली और एक साई वाला सर। हाँ जी। इस गाय का बैकग्राउंड बताना? ये सर सेकंड ब्याज की गाय है सर, और सर फुल ब्रीड है सर, और इसका 35 निकालेगी सर, अभी 32 निकाल हुआ है सर, इसका 35 प्लस जाएगी अभी सर। कितने देर रह रहे अभी इसके? अभी इसके सर हफ्ता लेगी। और सर बाकी ऑर्डर का गैप देखो सर आप, बिल्कुल एक जैसा गैप है सर आज का, देखो कैसे मर्जी बढ़ रहा है, बिल्कुल बढ़िया ठंड लगे आपको। और भाई इसका दाम क्या रहेगा? सर दाम इसका रहेगा 70। लास्ट दाम है क्योंकि सर देखो जी मैं बायो मांगू 85-90 मांगू सर, मेरी गलत बात है, क्योंकि सर जितना इसका दूध है उस हिसाब से सर मैं पैसा मांग रहा हूँ। चलाना भाई इसको? फालतू दाम नहीं मांग रहा सर। चलाना भाई इसको? और बाकी सर आप देख सकते हो सर, चमड़ी में देख लो, हेड में देख लो, चमड़ी में देख लो, और नीचे सर आप कवरेज करना सर, हाई मिल्किंग रेंज देखो सर, 100 जो दूध वाले क्रेटर होते हैं ना गाय में वो देखो सर। हाँ जी, इस गाय का बैकग्राउंड बताना है? ये सर फर्स्ट में दूध आता है। और फर्स्ट टाइम में क्या दूध दे पाएगी सर? 20 प्लस कर देगी, 20 तो आराम से देगी सर। आपकी गारंटी रहेगी? हाँ सर 20 की सर गारंटी देती है। सर पता क्या बात है, गारंटी की बात तो वहाँ पे होती है जहाँ पे सर मिल्किंग भी करवा देते हैं, हम गारंटी लेनी है तो। बाकी सर कस्टमर क्या इसको डाइट देता है, क्या डाइट प्लान है सर उसका, तो सर उस हिसाब से भी बोल सकते हैं हम, क्योंकि सर ये 20 की जगह 25 भी निकाल दिए अगर इसका डाइट प्लान अच्छा है तो। अगर डाइट प्लान अच्छा नहीं है तो सर ये 20 वाले भी 10 पे आ जाएगा। और इसका दाम क्या रहेगा सर? 52 में देंगे सर लास्ट। लास्ट? हाँ जी, हाँ जी। चलाना भाई इसको? जी सर जर्सी है सर, और ये पंजाब वाली जर्सी सर, एक तो होती है पहाड़ी जर्सी है पंजाब वाली सर, आप इसकी हेड लाइन देख सकते हैं सर, पहाड़ी में और पंजाब वाली में आपको अंतर पता चल जाएगा अभी क्या डिफरेंस है। और बाकी सर मैं बात करना चाहूँगा एच एफ की और इनके दूध के कंपेरिजन की, और इनकी फैट का और एच एफ की फैट का बहुत अंतर है सर, क्योंकि इसकी फैट सर वैसे भी ऊपर होती है जर्सी। और दूध का क्या अंतर होता है सर? दूध का अंतर फैट में होता है सर, मोटा दूध होता है। और ये कितना दूध दे पाती है? ये सर 25 लीटर दे देगी सर आराम से। हाँ जी, क्योंकि सर मेरी बात सुनो, यही कंडीशन में एच एफ गाय होती है वो 30 लीटर चली जाती है सर, क्योंकि जर्सी का सर मान के लो
ऐसे ही होता है सर, वो मैक्सिमम 30 लीटर वाली होती है आपके यहाँ पे, ठीक है ना। पंजाब वाली जर्सी जो रियल रेयर में होती है ना, देखो लोगों ने बोलने को कुछ भी बोल दें सर भी 40 लीटर 35 लीटर, नहीं आज तक जर्सी का इतना दूध नहीं निकला मेरे हिसाब से, ठीक है ना। और ये पंजाब वाली जर्सी सर, क्योंकि सर इसकी फैट भी बढ़िया होगी, दूध सर बड़े कम देती है चेप से, पर सर फैट में देख लो आप सर दुगना अंतर आ जाएगा। अगर इनकी फैट ऐसे ना 3.5-8.5 है ना HF की, तो इसकी ज़्यादा होगी सर। ठीक है, और इसका दाम क्या रहेगा भाई? ये सर 60 में देंगे सर। 60 में? हाँ। चलाना भाई इसको। बाकी सर शाइनिंग देखो, फेस देखो सर, है देखो बेटा। हाँ जी, इस गाय का बैकग्राउंड बताना है। ये सर फर्स्ट का इसका 12 लीटर दूध था सर, अब कितना कर पाएगी? 15 लीटर कर पाएगी। और इसका दाम क्या रहेगा सर? ये 37 में देंगे सर लास्ट। कितने दिन रह रहे अभी इसकी? सर इसके अभी रैम रह रहे हैं लगभग 15 में नहीं। चलाना भाई इसको। और सेकंड में आता सर, सर दूध इसका ही फैट के फैट के हिसाब से लगाओगे सर बढ़िया रहेगा। जे भी सर फर्स्ट में अभी दो दांत है जी सर। और फर्स्ट टाइम में क्या दूध दे पाएगी? सर 22 लीटर करेगी आराम से सर, क्योंकि आप ऑर्डर क्वालिटी से अंदाजा लगा सकते, बिल्कुल गैप पे था ना सर, फिक्स ऑर्डर है सर। क्योंकि कभी कभार होता है ना किसान ये बोलता है इसका ऑर्डर कम है, क्योंकि सर क्वालिटी ने दूध देना, ब्रीड ने दूध देना, ऑर्डर कम दूध नहीं निकालता सर। और रिकॉर्ड उसका बैकग्राउंड वो ही दूध देता है। इसकी मदर का क्या रिकॉर्ड था मिलता? मदर का रिकॉर्ड सर बोलने को लोग बोल रहे 35, क्योंकि सर जिस फार्म से हम परचेज किया ना सर उसका सभी का फर्स्ट का 30+ ही था सर रिकॉर्ड। और इसका दाम क्या रहेगा भाई? ये सर लास्ट छोड़ रहे हैं 55। अभी मंडी पर क्या लग रहा है इसका? सर मंडी में लगा रहे हैं सर 50-52 हो जाएगा सर। 55 चलाना भाई इसको। और बाकी सर नाम चेंज की वजह से सर बहुत कमेंट भी आते हैं, पहले ब्रदर डेयरी फार्म था, ठीक है ना, क्योंकि सर पहले जो आपको ब्रदर डेयरी फार्म से उम्मीद थी ना सर, इस बार सर साहिब डेयरी फार्म से आपको वही उम्मीद होगी सर। मैंने आपको रीजन बताया सर, वही कारण है सर इसका, नहीं हमारा चलना था नाम भी बन गया सर, बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स दे रहे थे सर सभी किसान भाई, और इस बार भी देंगे सर, क्योंकि सर सभी को पता चल गया अभी क्या रीज़न था। और सर धन्यवाद, जो भी किसान भाई ऑनलाइन ऑफलाइन गाय परचेज करना चाहता है सर वेलकम है सर, और सुरक्षित रहें पहले तो ये बात है सर, क्योंकि पैसा तो कमाया भी जाएगा सर बाद में, पहले सुरक्षित रहना जरूरी है सर, क्योंकि अपने घर बार से बीवी बच्चों सभी परिवार के लिए सर आप जरूरी हो, इम्पोर्टेंट हो।